में जो भगवान का जो तात्पर्य है वो क्या है और भगवान कृष्ण कैसे देखता है। आप यह ध्यान दें कि भगवान राम अनुशासन प्रिय देवता है। राम जी अनुशासन में लिखते हैं, अनुशासन में जीना सिखाते हैं। लेकिन हम लोग जो वेद पढ़ते हैं तो वेद में तीन चीजें दिखाई पड़ती हैं। क्या है? एक तो कर्म दिखाई पड़ता है, एक ज्ञान दिखाई पड़ता है और एक भक्ति दिखाई पड़ती है। लेकिन हमारे महात्मा ने कहा एक चौथी चीज भी दिखाई पड़ती है। वेदों में कर्म है, ज्ञान है और भक्ति है। चौथी चीज और है जो वेदों में दिखाई पड़ती है लेकिन साफ दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन समझने वाले वेदों से समझते हैं वो क्या चीज है। चौथी चीज है प्रेम। और गीता का कृष्ण का अवतार ही है प्रेम अवतार। क्योंकि हमने कथा सुनी है कि
कहीं ऐसा उदाहरण दुनिया में तो है नहीं कि एक व्यक्ति की 16,108 पत्नियां हों। पत्नी पत्नी हो तो प्रेम होता है, तभी तो पत्नी होती है। तो पत्नी प्रेम का अगर कोई बहुत बड़ा उदाहरण दिया जाए तो पति पत्नी का प्रेम सबसे ज्यादा तो प्रेम वही होता है संसार में। लेकिन भगवान 16,108 पत्नियां घरवाली की सच्चाई है, और कभी एक भी पत्नी के साथ खटपट नहीं हो सकता, कितना बड़ा प्रेम। तो प्रेम के देवता है, और वो प्रेम के देवता वो परमात्मा एक एक संसार के सब प्राणियों से प्रेम करते हैं। अपने आपको हम गिनवाते हैं, जरा देखना शास्त्र ने कहा व्याहस्याचरणम्। आपको जब किसी से प्रेम होता है तो आप क्या करते हैं, लव मैरिज करने वाले बच्चे ये नहीं देखते कि वो कितना सुंदर है, कितना पढ़ा लिखा है, कि उसमें वो बस सबसे पहले देखते हैं कि बस लव नहीं, सबसे बढ़िया वो हमें प्यार करता है बस, और कुछ नहीं देखते। यशी लव नहीं, केवल हमारे दुर्गा जी का राम ही केवल प्रेम किया जान ले जो जान निहारा। और भगवान कृष्ण के बारे में कहते देखो जो कृष्ण कहे नारायण है वही ध्यान में नहीं करते। ध्रुवत से आकरणम व्यास से आकरणम, भगवान जब प्रेम देखते तो आपका आकरण नहीं देखते, आपका रंग सहन कैसा है। इस व्याध को शिकारी को मांसाहारी को भगवान ने कृपा की उसको दर्शन दिया। भगवान आयु नहीं देखते, ध्रुवत से केवल ध्रुव, ध्रुव की आयु देखी भगवान ने। भगवान विद्या नहीं देखते, विद्या गजेंद्र का गजराज की विद्या देखी, जो जल को उबारने के लिए आए थे नंगे पैर आए थे और गंगा डूब रहा था और उसमें से ग्राह उसको पकड़ के ले जा रहा था और भगवान ने उसको ग्राह को मारा, मगर मत्स्य पानी में खींच रहा था और कितने ही बड़े समय तक उनका युद्ध होता रहा और इतना सा सुन रह गई सांस बस घुटने वाली थी। तो भगवान गरुड़ जी को घर जल्दी चलो थोड़ा, गरुड़ जी को भगवान को लगा गरुड़ भेद करेगा तो मेरा गंगा मर जाएगा और उसको ग्राह जल्दी खींच ले जाएगा। और भगवान गरुड़ जी को छोड़कर मन से ही तेज चलता है गरुड़, और भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया। और कितनी तेज आया होंगे कि मन हम अभी हमारा मन जाना बताया अभी इंडिया पहुंच गया अभी दिल्ली पहुंच गया, इतनी तेज चलता गरुड़ भी तेज चलते हैं मन से ही तेज। लेकिन भगवान को लगा दिल्ली चल रहा और फट से भगवान गरुड़ को छोड़ा कर दुआ और नंगे पैर गरुड़ के पास पहुंचे। गज और ग्राह रणे जल भीतर जल ने चक्र चलाया, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर नंगे पैरों आए भगवान पहुंच गए। तो भगवान जाति देखते हैं कहा जाते बुजुर्ग जी जाति के बेटे और बुजुर्ग के घर जाकर छोड़कर मेरा पकवान छोड़कर और बुजुर्ग के घर जाकर केले की तृप्ति दे दिए। तू क्या कर रही है, मैंने क्या कर रही हूँ भगवान को केले खिला रहे, केले खिला रहे कि तृप्ति खिला रहे। अरे भगवान जब थोड़ी समझदारी से हटाकर उसको कहा तू मैं खिलाता हूँ और बुजुर्ग जी ने गुदा गुदा खिलाया छिलके फेंके। तो भगवान कहते हैं छील कर छिलके खिलाए जब बुजुर्ग ने तंग है कृष्ण बोले हे बुजुर्ग इनमें न वो आनंद है। क्योंकि वो सिपाही उसको पता नहीं चला था क्या करना, जल्दी से कई बार हम लोग हमारे घर में तो बहुत बड़े आदमी आ जाए हम क्या करें, जल्दी से भाग के उठा पीटा कुछ करके दे देते हैं जल्दी से बोलता। उनको यही पता नहीं रहा कि छिलके दे रही हूँ कि गुदा दे रही हूँ। भगवान ने कहा उसका क्या बात, तो आपको तो बढ़िया मिठाई खिला दे लेकिन मुंह सकोगे बस क्या खाओगे। हमारे महात्मा कहते हैं आवत ही हर्षे नहीं, तुलसी दास जी कहते हैं आवत ही हर्षे नहीं नैन नहीं समेह तुलसी कबो न जाइए जो कंचन बरसेंगे। सोना भी बरसा बरसाता हो वो तो भी वहां जाना नहीं, और आवत ही हर्षे ही जावत देखे जावत देवे रोए तुलसी ऐसे भक्त घर भूखे हो रही है सो। उसके घर में उसे पता चलता है रोटी भी खानी है अभी बात होने लगता है, लोग रात के दो बज जाते हैं उसे ये मालूम नहीं है कि हमारे घर आए तो रोटी भी खिलानी है। लेकिन वो कहते हैं कि बातों में इतना आनंद आ रहा है कि मुझे
बेटा इतना प्रेम इतने प्यार करते मुझे तो भूल ही गए क्या करती हमें क्या करती भूल गए हमको रोटी खिलाना लेकिन हमें भी याद नहीं रहा कि हमें रोटी नहीं खानी तो ये बातों से पेट पेट भर गया होता है तो ये उसने कहा तो क्या कहा जाकर सियावर पटे उग्र से उग्रसेन कंस के पिता का भगवान शक्तिशाली से प्रेम करते हैं उग्रसेन बेचारा कितना कमजोर था और भगवान ने उग्रसेन को राजनीति का बिठाया और कुजा भगवान सुंदरता देखते हैं कुजा कितनी सुंदर थी बिचारी उसको सुंदर ही कहा और सुंदर ही कहकर उसकी जो तेरा कंठा उसका ठीक कर दिया और भगवान पैसा देते हैं किंतु सुदामा सुदामा के पास क्या था बिचारे थे भगवान ने उसका पैसा नहीं देखा उसको सिंहासन पर बिठाया कि चरण धोए पानी प्राप्त को हाथ छो नहीं नैन ने तीन दिन सो कर फिर कहते हैं भक्तिया तुष्यति केवलम न तो गुण ही भक्ति प्रयोग भगवान गुणों से प्रसन्न नहीं होते भगवान तो केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उनका भक्ति प्रयोग माधव जो माधव है वो भक्ति प्रिय है भक्ति ही उनको प्रिय है थोड़ा सा सभी के प्रसंग को हम जरा कदम गुनाए बड़े प्रेम से पहले रामायण के माध्यम से नर्मदा भक्ति मेरा गुणगान करे मेरी कथा करे मेरा कीर्तन करे मेरा भजन गावे
लेकिन मन में कपट ना रखे कि गाने के बाद वो दक्षिणा मिले ना मिले तो वो अलग बात है, लेकिन उसमें कोई कपट मन में रखते नहीं। और मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास, मेरा विश्वास करके मंत्र का जप करे, ये पांचवा भले है पंचम भजन स्वेद प्रकाश। छठ दमशील, दमशील क्या है? शील माने स्वभाव। हम अपने क्या करते हैं, हम जबरदस्ती अपने मन को कहते नहीं नहीं अब हम ऐसा नहीं करेंगे, और हमें परेशानी नहीं हम उससे नहीं बोलेंगे, अब वहां नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उसने हमारा काम बिगाड़, ऐसे नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से इंद्रियों को अगर निग्रहित करना है, आपका मन चंचल होता है उसमें ऐसे कोई कसम खाने से मन नहीं रुकेगा। सबसे दम सीन सीन माने तीन प्रकार के साधु होते हैं, एक अभाव के साधु और एक प्रभाव के साधु, एक स्वभाव के साधु। अभाव के माने मुनि नारी गृह संपत्ति नासी रूढ़ रूढ़ा है भाई सन्यासी, कि घर में घर में घर गई और पैसा वैसा है नहीं तो पूछता नहीं, चलो बाबा जी मंदिर आराम से तो कहते रूढ़ रूढ़ाई तीन गुण सिर की मिल जाए खाद खाने को मेवा मिले लोग कहे महाराज खाने को बढ़िया तो ये तो महात्मा बन गए बोल रहे थे। अभाव के महात्मा, दूसरे प्रभाव के महात्मा, किसी के प्रभाव में आए तो महात्मा बन गए, गंगा गए गंगाधर, जमुना गए जमुना, पता नहीं आए कि महात्मा बन गए दूसरी जगह गए तो दूसरे बन गए ऐसे। तो ये दोनों लोग बदल जाते हैं, लेकिन स्वभाव छठ दमशील इंद्रियों को रोकने का स्वभाव है कि हम ये गंदी चीज खाएंगे नहीं, हम गंदी बात सुनेंगे नहीं, हम गंदी बात बोलेंगे नहीं, प्रतिज्ञा नहीं करनी है, हम नहीं करेंगे, नहीं तो करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। स्वभाव महात्मा का स्वभाव होता है, वो तो मिठाई बोलेंगे, वो तो किसी के साथ किसी की निंदा करेंगे ही नहीं, गलत जगह जाएंगे ही नहीं, गलत बात सुनेंगे ही नहीं। अपनी दम माने इंद्रियों का कंट्रोल, छठ दम शील, शील माने स्वभाव, नेचुरल स्वभाव के साधु, अभाव के साधु और प्रभाव के साधु बदल जाएंगे, लेकिन स्वभाव के साधु बदलेंगे नहीं। स्वभाव हमारा ऐसा, हम जहां जाएंगे हमारा नेचर ही ऐसा है, हम जहां जाएंगे वहां पर ऐसे रहेंगे, जहां भी रहेंगे तो ये ठीक है। ये छठी भक्ति है, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, एक काम करें ये भी करते हैं, चलो एक और जॉब कर लेते, चलो एक और कर लेते, इधर बच्चे परेशान, इधर पत्नी परेशान, इधर और लोग परेशान, सुबह से जब देखो तो 50,000 पार लेकर भी नहीं बैठे। अरे भगवान को लेना होगा तो इसी में देगा, ये बात ही है। अगर भगवान को लेना होगा तो जब देता है चप्पल फाड़ के देता है, और जब लेता है चमड़ी में लेता है, जब लेता है तो हमें पता नहीं चलता कब ले लेता है, जब उसको तो विरत बहु कर्मा, ज्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं, जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो वही करते रहो, भगवान उसी में बरकत दे देंगे। ये कहते हैं ये भी भक्ति है, छठ दमशील विरत बहु कर्मा और विरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति जो इसी बड़ी अच्छी है कि हमेशा सज्जनों के धर्मों को सुनते रहो, सज्जन कैसे करते हैं, सज्जन कैसे बोलते हैं, सज्जन कैसे क्या खाते हैं, सज्जन पुरुष कहां जाते हैं, तो सज्जनों के साथ फ्रेंडशिप कर लो, उनके साथ उनका उनके जीवन में धीरे धीरे जिनके साथ बैठोगे, जिनके साथ खाओगे, जिनके साथ चलोगे, जिनके साथ घूमोगे फिरोगे, उनके गुण अपने आप के भीतर आ जाएंगे धीरे धीरे, उठने से बैठने से खाने से साथ साथ बात करने के साथ सोने से साथ रहने से अपने आप आ जाते हैं। सज्जन धर्म नृत्य निरंतर उनमें निरंतर रहना, और सातवीं भक्ति सातम सम मोहमय जग देखा, सातवीं ये सारा संसार मुझसे कोई संसार की प्राणियों को मत देखना, मुझे देखना। जो हनुमान जी को भगवान ने जो कहा वही बिल्कुल सही बात, सातवीं भक्ति सातम सम मोहमय, और मैं सारे संसार में सब प्राणियों को मुझे देखो, जिसके साथ व्यवहार करते हो उसके साथ नहीं करते हो मेरे साथ करते हो, ऐसा सोच के करो। अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो भगवान को अच्छा नहीं लगे, हम किसी से अच्छा व्यवहार करेंगे तो भगवान को अच्छा लगे, ये सोच करके हम संसार के साथ व्यवहार करें ये बात होता है। और संत हो कोई तो मुझसे भी आप
अधिक संत को समझो, मोक्ष की अधिक संत करने सातवीं व्यक्ति और आत्म आठवीं व्यक्ति के पास लाभ संतोषा, जो जिस मिल जाए उसी में संतोष। जब आ गए संतोष धन सब धन धूल समान, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आ गए संतोष धन सब धन धूल समान। जिन लोगों के पास संतोष होता है उनके पास रूखी सूखी खाते हैं, लेकिन उनके घर में मेहमान भी आ जाते हैं, उनके घर में वो ब्राह्मण आ जाए कोई खाने को होगा कैसा, उसको रोटी खिला देंगे, सबसे कोई बात नहीं, अपने रोटी खा लेंगे और उनको खिला देंगे, अपने आराम अपने कम जगह में सो जाएंगे, उनको बढ़िया दूसरा देकर सुना देंगे, ऐसे होता है। ये जो लोग हैं संतोषी लोग, संतोषी सदा सुखी, सपने में देख है पर दूसरा आठवीं भक्ति, दूसरे के दोस्त नहीं देखना, दूसरा अपने देखना, दूसरों को भूल देखना, ये कहते। और आठवीं भक्ति हो गई नवम सरल, नवी भक्ति सरलता, महात्मा कहते सरल से सीता रहस्य राम रहस्य लक्ष्मण, आप सरल बन जाए तो सीता राम लक्ष्मण तीनों प्रसन्न हो जाते हैं, सीता माता ज्ञान भक्ति दे देते हैं, राम जी ज्ञान दे देते हैं, लक्ष्मण जी नैराग भी दे देते हैं, मन भरो हर्ष नदीना, मेरा भरोसा रखे हर्ष भी ना रखें और दीनता भी ना रखें, ये हमने रामायण की लता भक्ति करे, हमने गीता गीता से लता भक्ति जगह, आज गीता जयंती है तो गीता में लता भक्ति क्या है, वैसे हमारे भागवत में लता भक्ति क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, श्रवण सुनना पहली भक्ति, कीर्तन गाना कथा करना और स्मरणम तीसरी भक्ति भगवान को याद करना, तीसरी पाद सेवन भगवान की, भगवान को भोग लगाना, भगवान जी की ठाकुर जी को स्नान कराना, बलिदान भगवान को स्नान कराना, उनको भोग लगाना और उनको उनकी आरती करना, उनको धूप दीप आदि की करना, पाद सेवन अर्चन पूजा करना, वंदन उनको नमस्कार करना वंदना करना, दास्य उनका अपने को उनका दास समझना, सख्यम भगवान हमारे मित्र हैं मित्र समझना, आठ भक्ति हो गई, नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन। भागवत के सातवें स्कंध के पांचवें अध्याय में 23वां श्लोक है ये, इसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, तो नाम रूप गुण प्रभाव आदि का श्रवण करना, भगवान के नाम का नाम को सुनना, भगवान के गुणों को सुनना, भगवान कैसे हैं, भगवान का दिनचर्या कैसी, वो सब सुनना, भगवान का कीर्तन करना दूसरी व्यक्ति, भगवान को याद करना, भगवान की जन्म सेवा करना, पूजन करना, वंदन करना, दास्य भाव रखना, सता भाव रखना, समर्पण अपने को भगवान से समर्पित कर देना। अब श्रवण में क्या है, अब देखो सुनना, आप लोग जो सुनते हैं तो कहते हैं गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में तद्विद्धि परिपापेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशंते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, अगर कोई महात्मा मिलते हैं आपको और उनसे आप परमात्मा के बारे में सुनना चाहते हैं तो पहले बाबा जी को सुना दो, अच्छा उनको पहले प्रसन्न करो, उनको कुछ खिलाओ, उनको पानी खिलाओ, फिर आदर उनका आदर सत्कार करो, ऐसे गीता भगवान ने कहा, और जब वो प्रसन्न हो जाए तब उनसे अपना प्रश्न रखो, फिर वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे और वो उत्तर तुम्हारे जीवन में काम भी करेंगे, ये भगवान ने एक तरीका बताया। और यहाँ जो श्रवण में कृष्ण जी ने लिखा बिन सत्संग विवेक न होई, और बिन सत्संग न हरि कृपा ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न जुड़ अनुराग, सत्संग में क्या होता है, श्रवण ही करना श्रवण। अब ये जो श्रवण भक्ति है पहली भक्ति, उसको बहुत कुछ वर्णन किया गीता में, भागवत में कथा है धुंधुकारी ने जो प्रेत बन गया था उसने भागवत की कथा सुनी,
और वो जिसमें भगवान का पार्षद बनते जिसको भगवान के धाम से चला तथा सुदेव की ऐसी महिमा है। और कीर्तन की रक्ति कीर्तन उसमें लिखा है गीता में प्रत्येक कोई कितना ही पापी क्यों ना हो कितना ही दुराचारी क्यों ना हो अगर मेरा भजन करता है उसको साधु समझना चाहिए तो दुराचारी नहीं समझना चाहिए। क्यों कि वो जो काम करना चाहिए वो कर रहा है। और बाद में देखते हुए गीता के 9वें अध्याय में 30-31 श्लोक क्षिप्रम भवत धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन से प्रति जाने ही नवे भक्तों को नश्यति। अगर कोई दुराचारी है आपको देखते हुए पाती है कि महात्मा बनने की कोशिश कर रहा है कि भजन करता है मंदिर जाता है ये तो दुष्ट है लेकिन वो कहते हैं कि अच्छा काम कर रहा है चिंता न करो देखो तुम्हारे देखते देखते कि महात्मा बन जाए। भजन करने वाले को कभी देखोगे तो दुराचारी नहीं होगा भगवान गीता में चिंता नहीं करना। अगर हमसे पाप नहीं छूटता तो भजन भी नहीं छूटना है धीरे धीरे वो पाप बढ़ जाएगा और भजन बढ़ जाएगा भगवान ने गीता में एक कीर्तन की महिमा बताई। और उसमें भागवत में 12वें स्कंद में तीसरे अध्याय में 51 श्लोक है उसमें सूर्य महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई कि देखो कलयुग में सारे दोष ही दोष भरे हुए हैं। रमन ने कहा मां ने बात पिता ने देगा साधु सन करवा में सेवा वैसे माता को मां को नहीं माने पिता को नहीं माने देवता को नहीं माने सब साधुओं से अपनी सेवा कराते हैं लेकिन कहते कलयुग दोष निधि राजन अस्थि को मान लो कलयुग में सारे दोष हैं पर एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में क्या कृष्ण देव कृष्ण से मुक्त संग परम बोले यही कलिकाल रतावन दूजा राम मिले यज्ञ योग जप तप व्रत पूजा राम ही सुनिए गाइए राम ही संत सुनिए राम गुण का ये बताया कीर्तन की महिमा और रामायण में गली जो मुझे सब जगह देखता है जो सब प्राणियों में आत्मरूप मूल परमात्मा को देखता है और सारे प्राणियों को मुझे देखता है वो मुझसे कभी अदृश्य नहीं होता और मैं उससे कभी अदृश्य नहीं होता। तो गीता में भगवान कस्मा सर्वेशु कालेशु मन अनुस्मर युद्ध भगवान ने कहा अर्जुन इसलिए तुम क्या करो तुम हर समय में मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो मां स्मरण युद्ध मेरा स्मरण करो और युद्ध करो Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
अर्जुन लौट रहा था और भगवान गीता सुना रहे थे। मैं एक बार भारतवर्ष में मध्य प्रदेश में गीता जयंती का प्रवचन करने के लिए गया। मुझे किसी ने आमंत्रित किया, मैं कई जगह जाता रहता था कथा प्रवचन करने। टीकमगढ़ एक स्थान है मध्य प्रदेश में, वहां पर मैं पहुंचा। गीता की कथा हो रही थी, एक मंदिर था उसमें बहुत लोग आए हुए थे, बड़ा सुंदर उत्सव था, बोलने वाले महात्मा भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। एक महात्मा जी वृंदावन से आए थे, मैं उनसे बहुत अच्छी तरह परिचित था, बड़े अच्छे महात्मा थे, पुराने महात्मा थे। और मेरे पहले उनका व्याख्यान चल रहा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक माता जी, क्योंकि आप जानते हैं गीता जयंती ठंडी में आती है, विंटर में विंटर प्रारंभ होता है, कभी गीता जयंती हमेशा आती है, दिसंबर में आती है अधिकांश। तो वहां महात्मा जी को अच्छा नहीं लगा, एक माता जी आगे थोड़ा सा जनवरी में और ठंडी आएगी तो स्वेटर बुनते, तो स्वेटर बुनते बुनते गीता भी सुन रही थी, उसने कहा चलो थोड़ा स्वेटर भी काम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी वो ध्यान से महात्मा जी कथा थोड़ा ध्यान से सुनती थी, पर इधर स्वेटर बंद हो जाता था, फिर जब कथा फिर उसके पंग आ जाती थी, फिर वो अपने मैं उसको बहुत ध्यान से देख रहा था, और वो उसको जैसे कर लेता ना काम करके स्वेटर बनने की आदत है उसको, वो कब से बनती है, लेकिन कभी तो बढ़िया बात आ गई तो ऐसे उसके हाथ रुक जाए, अभी ध्यान दे कथा सुने और फिर अपना फिर वो हाथ से बोला जाता है स्वेटर सलाई होती आप जानते। अब उसने महात्मा जी ने देखा उस भाई स्वेटर छोड़, उसको ध्यान दिया स्वेटर बन जाइए कथा सुन जाइए। वो बेचारी नहीं था, उसको मैंने उसका भाव देखा, तो उसको चेहरा उसका पढ़ा, मैंने देखा कि महात्मा जी ने बड़ा बोला देखो कथा हम सुनाते हैं तो किसी का भी डांट मिलना बड़ी अधिकार है, कोई क्या कर रहा है
और उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका दिमाग कैसा है, उसकी दिमाग की पावर कितनी है, कि वो एक समय में कितने काम कर सकता, हम नहीं जानते। भागवत ने उसको डांट दिया। अब वो उसने लेकिन उसने माता जी ने देखा कि क्या, लेकिन वो माता जी ऐसी बैठी थी नीचे, बहुत भीड़ थी, अगर निकलेगी तो निकलने में उसको लोगों को जाना पड़ेगा बड़ी मुश्किल से, लेकिन वो बैठ भी नहीं पा रही थी। उसने कहा मुझे ऐसे कथा में मुझे नहीं बैठी, उसको गुस्सा आया और उसने उठने की सोची। तब तक क्या हुआ, वो उसने कहा मैं भी बैठ लो जैसा नहीं कर, उसने उसको मुझे जगह दो मैं निकलना चाहती हूँ। अब लोगों ने रोकने की कहा, वो नहीं उठी। तो फिर अचानक हुआ ये हुआ कि स्वामी जी ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वो माता जी उठी। तब तक मेरा नंबर आ गया, मैं कथा करने बैठ गया और मेरे पास में माइक रखा गया। मैंने कहा मंगलाचरण बाद में करेंगे, घर है, मैंने मंगलाचरण करी, कुछ भी मंत्र मंत्र बोला रही। मैंने कहा माता जी आप बैठ जाओ, मैं आप सत्र बनू अपना। और देखो मैं आपको सिर्फ करके बताता हूँ, देखो ये गीता स्वेटर बोलने से कोई, इसका कोई मतलब नहीं है। स्वेटर बोलने से गीता की कथा होती है, आराम से सुनी जा सकती है। अरे मैंने उनको ये बात बताई कि अर्जुन तो इतना महत्वपूर्ण काम कर रहा था, लड़ाई करने का काम कर रहा था और उसी की तरफ समझ में आ गई थी आप स्वेटर बन गए हैं और भगवान कितना जरूरी काम कर रहे थे, रक्त ला रहे थे, उन्होंने की तरफ सुना दी थी, इससे कोई मतलब नहीं है। अब मैंने जब कहा तो स्वामी जी मिली हुआ बोलते, मैंने जो उसको जाते हुए कहा आप ऐसा बोल मैं स्वामी जी क्षमा कहता, तो अगर मैं गलत कहता हूं भाई आपने गलत कहता हूं क्या, लोगों ने कहा नहीं बात तो सही है भाई, गीता में भगवान भी काम कर रहे, गीता भी कहा तो स्वर्ग बोलते ही चली जाती है। वो महाराज जी प्रसन्न हो गई, प्रसन्न हो गए बड़े आराम से और बैठ कर खूब बड़ी उसने कथा सुनी। और कथा सुन के देखो तो मैंने आपको निवेदन किया, भगवान कहे जितात्मा प्रशांत से परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो हो। गीता के छठे अध्याय में सातवां श्लोक है, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान और ये सब मिलते रहेंगे संसार। आप ठंडी को तो मान नहीं सकते, ठंडी तो आएगी और ठंडी हमेशा रहेगी नहीं, फिर गर्मी भी आएगी। पिछली बार तो ऐसा पड़ा दो महीने तक कड़ाके की गर्मी यहां भी पड़ी, मैंने देखा पहली बार में कई वर्षों से इस बार पसीना भी आया था आपको, लेकिन अभी कभी नवंबर में ही बात कर रही हो और क्या करोगे, भगवान की इच्छा है जैसा वो करेंगे। सर्दी आएगी गर्मी आएगी आप रोक नहीं सकते, जैसे सर्दी और गर्मी को नहीं रोक सकते वैसे आप रास्ते चलने वाला कोई अपमान भी कर देगा, आप गाड़ी चला रहे हो तो गलत बोल रहे हो तो आप उसको मारने लग जाओगे, वहां पीटने लग जाओगे, क्या करोगे, पुलिस बुलाओगे, पुलिस बुलाओगे मंदिर नहीं आ सकते, क्या करोगे, पता लड़ोगे, मान भी करेगा कोई अपमान भी, कोई सम्मान भी करने वाला मिल जाएगा। कितनी व्यवहार की बात भगवान ने कही, कभी देखो अर्जुन सर्दी आएगी गर्मी आएगी सुख आएगा दुख आएगा, ये सब आने जाने वाले हैं, सर्दी हमेशा तो रहेगी गर्मी हमेशा तो रहेगी नहीं, सुख हमेशा तो रहेगा नहीं, दुख हमेशा तो रहेगा नहीं, एक जगह रहेगा नहीं कभी भी, मान हमेशा तो होगा नहीं, अपमान जब इतने दिन से सम्मान हो रहा है इतने अपमान थोड़ा सा हो गया तो जाते, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान और ये सब आते रहे और फिर भी आप शाम फिर भी आप मुझे कहीं आया घर जाने वाला है सुनो, तो कहते ऐसे उसको हम कहते स्वाधीन आत्मा वाला पुरुष, उसको कहते हैं जिता आत्मा प्रशांत से परमात्मा समाहिता, कहते इस प्रकार से ऐसे आत्मा वाले पुरुष के परमात्मा सब प्रकार से उसके ज्ञान में स्थित रहता है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय कुछ भी रहता नहीं है। सर्दी आई परमात्मा की इच्छा से, गर्मी आई परमात्मा की इच्छा से, सम्मान हुआ परमात्मा की इच्छा से, अपमान हुआ परमात्मा की इच्छा से, लाभ हुआ परमात्मा की इच्छा से, हानि हुई तो भगवान की इच्छा से, कल को सब ठीक हो जाएगा। एक
एक कोई बहुत बड़ा जमींदार व्यक्ति था, उसको अपने बेटे की शादी करनी थी, उसकी शादी थी, एक दूसरे बेटे की थी, तीसरे की थी, चौथे की थी, एक से एक बढ़िया बहू लेके आया। लेकिन अब उसने सोचा कि मैं इसमें चारों बेटों में से राज गद्दी पर किसको बिठाऊं, या मतलब अपनी संपत्ति किसके नाम लिखूं कम से कम। अब ऐसा कोई हो इन चारों में से जो समझदारी से, तो अब उसने सोचा कि हम परीक्षा कैसे करें। चारों लोगों को बुलाया था, उन्होंने बड़े समझदार थे, उसने कहा पिताजी जैसे आपकी इच्छा हो। बोले मैं चारों को तो डांट सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी एक के हाथ में दे दूँ सारा, और वो फिर घर को ठीक से संभाले जैसे मैं संभालता रहा। उन्होंने देखा कि उसका हम तो चारों तैयार हैं। उसने कहा मैं अपनी चारों बहुओं की परीक्षा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुओं बहुएं उनको बदल देती है। उन्होंने सोचा बहुओं को जरा विचार करता हूँ। बड़ी बहू को बुलाया, बड़ी बहू को बुलाया, उससे पूछा बेटी, और बड़े सहज प्रश्न किए उनको, पूछा तुम बताओ कि ठंडी अच्छी लगती है कि गर्मी अच्छी लगती है, बरसात अच्छी लगती है। उन्होंने बरसात का क्या अच्छा, बरसात तो बड़ी खराब है। बोले सर्दी, बोले सर्दी, हाँ बोले सर्दी जरा ठीक लगती है, बोले गर्मी से गर्मी मुझे अच्छी लगती है, ठंडी में क्या अच्छी लगता है, ठंडी में थोड़ा सा हमको जरा सा बढ़िया, हमारे पास कितने बढ़िया चीज के कपड़े हैं, उन्हीं हमें दिखाने का मौका मिल जाए। अपने ढंग से उसने कहा, दूसरी बहू से पूछा लेकिन अच्छा बस इतना ही हो रहा है, तुम बताओ तुम्हें गर्मी अच्छी लगती है सर्दी की बरसात, बताए तो बरसात बढ़िया लगती है, बरसात में खूब भाव में प्रेम दिन दिन बढ़िया गाने सुनो और बढ़िया खूब घूमो, आनंद आता है। उसने कहा बहुत बढ़िया। उसने ये नहीं कहा कि बरसात, क्वेश्चन ये भी उत्तर ये भी हो सकता था कि बरसात में भगवान, हम बरसात होती है तो भगवान अम्ल तो पैदा करते हैं बरसात से, भाई गर्मी और आपके हाथ में। तो उसने तीसरी से पूछा, उसने गर्मी को बढ़िया बताया, गर्मी में कोई जरूरत नहीं, बड़ा सारा छोटे छोटे कपड़े पहन के आराम से घूमते रहो, बड़ी मौज रहती है, अच्छा लगता है, खास तो कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, उसने गर्मी को कितनी बढ़िया लगता है। और एक रह गई सबसे छोटी, उसने पूछा कि तुम बताओ नहीं बेटी तुम्हें कौन सा सीजन बढ़िया लगता है, समर विंटर गर्मी बरसात। तुमने कहा पिताजी न तो बरसात मेरे हाथ में है और न तो गर्मी मेरे हाथ में है, न तो सर्दी मेरे हाथ में है, आप मेरे से पूछते हो। अरे गर्मियों में हम जैसे भगवान करते हैं वैसे रह लेते हैं, ठंडियों में हम गर्मी ज्यादा होती है एयर कंडीशन चला लेते हैं, ठंडी होती है तो हम बढ़िया हीटिंग चला लेते हैं, वर्षा होती है तो हम छाता लगा लेते हैं, अपनी अपना मशीन से बचाव कर लेते हैं। दूसरा अगर वर्षा नहीं होगी तो पिताजी सोचो वर्षा नहीं होगी तो अन्न कैसे होगा, उन्हें बताया। और अगर कोई गर्मी नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी, गर्मी से वर्षा होती है, गर्मी से भाप बनते पानी ऊपर जाता है, गर्मी से तो वर्षा होती है। पिताजी आप हमारे बच्चियों को पूछते हो ठंडी भी जरूरी है हमारे जीवन के लिए, ठंडी में हम लोग देखते हैं हमारा भैया भोजन बड़े आराम से फंस जाता है, हम ड्राई फ्रूट बादाम अगर गर्मी में खाए तो गर्मी का देता है, ठंडी में खाए तो हमारा स्वास्थ्य बढ़िया है। ठंडी के लिए उसने गुण बताए, गर्मी के लिए गुण बताए और बरसात के लिए गुण बताए। उसने कहा हमें तो कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई ऐसा है। उसने कहा हाँ ये लड़की ठीक है। उन्होंने कहा बेटी तेरे हाथ में हम घर की चाबी सौंपते हैं, मुझे विश्वास है कि तू हमारे घर को बढ़िया तरह से संभाल पाए। तो देखो हम लोग कहते हैं गीता में मोक्ष मिल जाएगा, गीता की कथा सुनने से मोक्ष बात अलग है, लेकिन हमको संसार हमें भगवान संसार का मालिक बनाना चाहते हैं, हमारे हाथ में अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा गीता पढ़ने से आपकी विचारधारा छोटी नहीं रह जाएगी, आपकी विचारधारा में आपका स्वार्थ नहीं रह जाएगा। तो हम एक बात कहकर जल्दी से विश्राम कर रहे हैं कि अनन्य चेता सततम व्योमान स्मृति नित्य सह, स्मरण की बात कही, श्रवण कीर्तन स्मरण गीता में भगवान ने कहा जो मेरा निरंतर स्मरण करता है मैं उसको सुवर्ण हूं, और अनन्य भाव से जो मेरा हरण करता है मैं उसको योगक्षेम ग्रहण करता हूं। जो भगवान का स्मरण करते हैं उनके पास जो नहीं है वो दे देते हैं, और जो है उसकी रक्षा भगवान करते हैं। और इस प्रकार से पाल सेवन को भी गीता में और उसमें हमारे रामायण में भी तो पद पखा जल पान कर आप सहित परवार इतर पार कर कभी पूरी मुझे गयी लेता
सेवक की बात और अहिल्या की बात, अहिल्या की अहिल्या भगवान के रचरण चरण रथ लेकर के अहिल्या का उद्धार हो गया इस प्रकार से। और अर्चन भक्ति में, अर्चन माने भगवान की पूजा, तो इसमें भगवान ने कहा नौवें अध्याय में पत्र पुष्पम फलम तो यो में भक्ति अपेक्षती तदा हम भक्ति प्रदम अष्टमी कृतार्पण, पत्र पुष्प फल जल जो भी मुझे अर्पण कर दे मैं सब ग्रहण कर लेता हूँ। भक्ति होनी चाहिए, भगवान नहीं देखते इतने क्या आ रहे हो। और बंधन भक्ति में भगवान को नमस्कार करना, उसमें श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जो रामायण में लिखा है। और इसमें भागवत में भी है, भगवत गीता में भी है। दास भक्ति में हम हनुमान जी को ले सो अन्य जाति असी मति न करे हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवत। हनुमान जी को राम जी ने ये उपदेश दिया कि देखो ये संसार में आप किसी की सेवा करते हो तो आप किसी की सेवा नहीं करते, उस रूप में मेरी ही सेवा करते हो। तो हनुमान जी आज संकट मोचन है, सारी दुनिया के संकट को हनुमान जी उतारते हैं, दूर करते हैं। इस प्रकार से ये आपकी जो दास भक्ति है, दास वही भगवान का दास है और दुनिया वालों से घृणा करता है, दुनिया वालों का छल करता है, कपट करता है, तो भगवान का दास नहीं होता। सबके भक्ति में, सबके भक्ति में जो भगवान जे नित्य दुख हो खाले सुग्री तिने जिनों का पापक भारी, निज दुख दीसन रज कर जाना और मित्र का दुख रज मीनू समाना। अपने बड़े से बड़े दुख को अपने निज दुख वीर समझ रज कर उनको अपने पहाड़ के जैसे दुख को भी धूल के कण के समान समझना और मित्र के धूल के जैसे दुख को भी पहाड़ के समान समझना और उसके मित्र के मित्र का सहयोग करना। सबके भक्ति तो सुग्रीव के प्रसंग में है और सुग्रीव ने भगवान के साथ मित्रता की थी तो भगवान ने उसके साथ मित्रता निभाई। और इस प्रकार से सबके भक्ति के बाद आत्मनिवेदन आत्मसमर्पण जो भक्ति है, आत्मसमर्पण भक्ति में भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण करना बलि आदि की भक्ति आती है इसमें। इस प्रकार से मैंने आपको संक्षेप में थोड़ा नंदा भक्ति के बारे में आपको निवेदन किया। और कर्मचंद जी ने कहा राम भगत चिंतामणि सुंदर बसई गरुण जाति उदंतर परम प्रकाशक प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दीना घट राती। इस प्रकार से थोड़ा सा अंत में भगवान का एक स्मरण करते हुए और हम कथा को विश्राम देंगे। बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से गीत गुनगुनाएंगे। Thank you.
ज्ञान की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है। इन शब्दों के साथ हम आज की कथा को विश्राम दें। बड़ी श्रद्धा से आरती करें।